नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत सैनी और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश न्यूज़ चंडीगढ़। जी, हरियाणा विधानसभा चुनावों का रण बिल्कुल तैयार है। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। तो उसी दौरान हम पंचकुला विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ आज जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार योगेश्वर शर्मा जी। इनसे हम जानेंगे कि पहली बार चुनाव लड़ रहे योगेश्वर शर्मा जी पंचकुला की जनता के दिल में कैसे जगह बना पाएंगे। तो पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि अब आप किन मुद्दों को लेकर पब्लिक में जाएंगे? ये 15 दिन बाकी हैं, कैसे? देखिए, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनता के बीच में ही रहती है और जनता के काम दुख सुख में भागीदार रही है। पिछले 3 साल से मैं पंचकुला में जिलाध्यक्ष की भूमिका में हूँ और सभी वर्गों के जितने भी प्रॉब्लम्स रही हैं उन सबकी आवाज़ हम बुलंद करते रहे हैं और सरकार के ख़िलाफ़ लड़ते रहे हैं। पूरे पंचकुला का समर्थन हमें मिल रहा है और मिलता भी रहा है पहले भी, क्योंकि किसी और पार्टी ने यहाँ कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस को भी बहुत बार पिछले 10 साल लोगों ने देखा और उसके बाद बीजेपी भी झूठे वादे करके तो आई, लेकिन 5 साल उन्होंने भी जनता की एक नहीं सुनी। ज्ञानचंद गुप्ता बीजेपी के जो विधायक रहे हैं इन 5 सालों में, वो तो शायद अब तक सो रहे थे, अभी 2 महीने पहले ही वो जागे हैं और फटाफट शिलान्यास उन्होंने न जाने कितने ही प्रोजेक्ट्स का कर दिया इस उसके लिए कि भी यहाँ दोबारा जनता के बीच जाना है तो किस मुँह से जाऊँगा। सर, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि 2012 में ये पार्टी बनी है और उसके बाद 2014 में भी चुनाव हुआ है और वहाँ उस दौरान भी मतलब इस पार्टी ने अपना वर्चस्व नहीं दिखाया, तो उस दौरान आप क्या समझते हैं कि अब की बार क्या उम्मीद रखते हैं कि पंचकुला से आप हैं और अब तक क्या अपने दिल में टिटोला है जनता के, कि जनता के दिल में क्या है आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, 6 साल पुरानी पार्टी है और हमारा मुकाबला 70 साल पुरानी पार्टियों से चल रहा है सबसे पहले तो, और उनसे हमें दिल्ली में हमने उनको मुँह तोड़ जवाब दिया है और पूरा सफाया उनका कर दिखाया है। पंजाब में भी हमारे 22 MLA पहली बार में ही पहुँचे हैं और ना जाने कितने ही मतलब MPs भी हमारे 4 हैं और ना जाने कितने ही काम जो 70 साल में किसी भी पार्टी ने जनता के लिए नहीं किए वो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करके दिखा दिया। केजरीवाल जी पहले भी आए हुए हैं यहाँ पे, जादू चल नहीं पाता है, तो अब की बार क्या आप सोचते हैं कि जादू चल पाएगा? आप कैसे कह रहे हैं जादू चल नहीं पाता है? दिल्ली में आप जादू देख रहे हैं उनका, ठीक है जी, दिल्ली में हमने जादू दिखा दिया है कि जो शीला दीक्षित जैसे भी हरा दिए हमने और बीजेपी के भी धुरंधर नेता हमने हरा दिए, वो भी जब मोदी लहर थी, जब पिछली बार जब पूरी मोदी लहर पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए उसके मात्र 6 महीने बाद ही दिल्ली में हमने उन्हें खदेड़ के दिखा दिया और वो इतनी बुरी तरह खदेड़ा कि वो मात्र 3 सीटों पे ही सिमट के रह गए। हरियाणा में तो यहाँ PGI खोलने का वादा किया था बीजेपी ने कि हम सारे डिस्ट्रिक्टों में एक एक PGI खोलेंगे, उनका मैनिफेस्टो निकालिए, कहाँ खुला? पूरे 10 के 10 आप लगाइए, 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट, सभी किसी डिस्ट्रिक्ट में एक भी PGI खुला है और दिल्ली में हमने गली गली में मोहल्ला क्लिनिक पहुँचा दिया है और फ्री इलाज किया जा रहा है, फ्री टेस्ट किए जा रहे हैं। तो ये आम आदमी पार्टी की जीत है और इन कामों को हम जनता तक पहुंचा रहे हैं और हरियाणा में भी इस बार आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी और हम दिल्ली की तर्ज पे हरियाणा में भी काम करके दिखाएंगे और जीत का परचम लहराएंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।